नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। 40 घंटे बाद भी बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद को नहीं आया होश। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने गुरुवार को खाई थी नींद की गोलियां, नाजुक हालत में सफदरगंज अस्पताल में भर्ती है। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने के मामले में एसपी नेता उमेद पहलवान गिरफ्तार। गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई और जबरन उनकी दाढ़ी काटने के आरोपों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस सांप्रदायिक पहलू से इनकार कर रही है। राजकीय सम्मान के साथ होगा मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार। पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। मिल्खा सिंह के सम्मान में पंजाब सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तेलंगाना में पूरी तरह से हटेगा कोरोना लॉकडाउन। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया। अगली खबर मुंबई से है जहां क्राइम ब्रांच ने 21 साल के युवक को 10 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पूरा परिवार बंदूक बनाने के कारोबार में शामिल। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीजीपी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि एक शख्स इतना बड़े पैमाने पर मुलुंड इलाके में हथियार लेकर आने वाला है। इसके बाद एक टीम को इसमें लगाया गया और शख्स को पकड़ लिया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदियां। पौड़ी में एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के लिए दिए गए निर्देश। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसकी वजह से कई घाट जलमग्न हो गए। दिल्ली में मानसून आने में लगेगा वक्त। गर्मी से निजात पाने के लिए करना होगा इंतजार। पिछले दिनों दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस रही जिससे परेशान दिल्ली वासियों को बुधवार को कुछ राहत मिली जब हल्की बारिश ने लोगों को भयंकर गर्मी से कुछ राहत दी। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 6 कर्मियों के परिजनों को केजरीवाल सरकार देगी 1-1 करोड़ रुपए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की है। जान गंवाने वालों में 3 एयरफोर्स में, 2 दिल्ली पुलिस में जबकि 1 सिविल डिफेंस में कार्यरत। दिल्ली में व्यापारियों को देनी होगी 17 गुना ज्यादा ट्रेड लाइसेंस फीस। करीब 4 लाख कारोबारियों पर सीधा असर। लाखों दुकानदार पिछले 2 महीने से लॉकडाउन खुलने के इंतजार में थे लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत नॉर्थ एमसीडी की ओर से ट्रेड लाइसेंस में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे लागू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली आर्मी अफसर। पाकिस्तान की ISI भी इसे समझ रही थी। असली पूछताछ में इस नकली आर्मी अफसर ने खुलासा किया कि वो सेना का अधिकारी होने का बहाना कर सोशल मीडिया पर लड़कियों को आकर्षित करता था। इसने खुद को सोशल मीडिया पर कैप्टन शेखर के रूप में पेश किया। पीएम के साथ मीटिंग के लिए महबूबा मुफ्ती को आया कॉल। कल PAC की बैठक में PDP लेगी फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसे कश्मीर में पॉलिटिकल प्रक्रिया की और बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मिल्खा सिंह की याद में काली पट्टी बांधकर उत्तरी टीम इंडिया खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए टीम इंडिया काली पट्टी बांधकर खेल रही है। असम में पैदा हुआ 5 किलो 2 ग्राम का बच्चा। डॉक्टर ने बताया राज्य में अब तक का सबसे वजनी नवजात। सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम ने मंगलवार दोपहर को महिला का सिजेरियन ऑपरेशन किया था। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 29 जून को पेश होंगे सभी आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर कर आरोप लगाया है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के लिए पहले से ही प्लान बनाया गया था। बारामूला में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। पिस्तौल समेत 45 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बारामूला में नार्को टेरर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 पिस्तौल भी बरामद की है। PFI के ट्विटर अकाउंट को मिला ब्लू टिक। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने जताया विरोध। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने PFI की कर्नाटक इकाई के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करने पर विरोध जताया है। साथ ही सूफी इस्लामिक बोर्ड ने ट्विटर को कहा है कि वह अपने इस फैसले को वापस ले। पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग को दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेंगे ये बेनिफिट। पंजाब सरकार ने राज्य में 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करते हुए अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। 1 जुलाई से राज्य के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी को पेंशनर्स को बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिलेगी। अनलॉक के बाद भी किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरते, कोविड प्रोटोकॉल का हो पालन। राज्यों को गृह मंत्रालय का निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रेस ट्रैक ट्रीट की सरकार की नीति को भी जिला स्तर पर मुस्तैदी से लागू करने को कहा है।
दिल्ली मेट्रो एंड शेयर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।